is development of male gametophyte. Male gametophyte flower के stamen में develop होगा. Stamen की structure की अगर बात करें, stamen के structure में two parts present होते हैं. This is a stamen. इसमें two parts present हैं. Anther and phloem. फ्लामेंट जो पार्ट है उसका फंक्शन सिर्फ इतना ही होता है कि वो एंथर को अटैच करके रखता है, या तो उसको अटैच करेगा थैलेमस से या फिर पेटल्स से. फ्लामेंट का फंक्शन है एंथर को अटैच करना थैलेमस से या फिर पेटल्स से. फ्लामेंट सिर्फ स्टॉक होता है. मेन जो पार्ट होता है स्टैमेन का वो है एंथर. एंथर के अंदर ही सारे प्रोसेस होंगे. मेल गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन भी वहीं होगा. मेल गैमेटोफाइट के प्रोडक्शन के लिए पहले जो स्पोर्स बनेंगे वो भी एंथर के अंदर ही प्रोड्यूस है. अब एंथर के स्ट्रक्चर में देखिए तो एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है. इसके अंदर टू लोब्स प्रेजेंट होती हैं. बाइलोब स्ट्रक्चर है, इसके अंदर टू लोब्स प्रेजेंट है, फर्स्ट लोब एंड सेकंड लोब. ये टू लोब्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं ग्रूव के थ्रू, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव. पूरी लेंथ में ग्रूव प्रेजेंट होती है एंथर के, जो दोनों एंथर के लोब्स को सेपरेट करती है. लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव. अब इसके अंदर एंथर के अंदर स्पोर्स के फॉर्मेशन के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं. उनको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम. और माइक्रोस्पोरेंजियम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एंथर्स स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो मेल स्पोर्स होते हैं वो साइज में कंपेरेटिवली छोटे होते हैं फीमेल स्पोर्स से. स्मॉलर होते हैं साइज में, इसलिए उनको कहेंगे माइक्रोस्पोर्स. अब माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन हो रहा है एंथर्स में, तो जो स्ट्रक्चर्स एंथर में माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे उनको कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम. अब माइक्रोस्पोरेंजियम की स्थिति बनेंगे अपन तो टीएस लेना होगा एंथर का. एंथर का टीएस देखिए, एंथर का टीएस टेट्रागोनल दिखता है. इसमें फोर कॉर्नर्स होते हैं, फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर एंड फोर्थ कॉर्नर. अब इसके अंदर फोर कॉर्नर्स के फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. तो ये फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजिया, सेकंड माइक्रोस्पोरेंजिया, थर्ड माइक्रोस्पोरेंजिया एंड फोर्थ माइक्रोस्पोरेंजिया. अब बाइलोब स्ट्रक्चर है एंथर, तो ये इसकी फर्स्ट लोब है एंथर की, ये वाली सेकेंड लोब है. अब दोनों लोब्स जिस टिश्यू से कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से, उस टिश्यू को कहते हैं, ये वाला जो टिश्यू दोनों लोब्स को कनेक्ट करके रखता है, इस टिश्यू को कहते हैं कनेक्टर. दोनों को कनेक्टिव जो टिश्यू है दोनों को कनेक्ट करके रखेगा, और जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है वो दोनों लोब्स को सेपरेट करके रखेगा. अब इसमें फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है. आप जो एंथर्स हैं वो होते हैं डाइथीकस. माइक्रोस्पोरेंजिया की एक पेयर को कहेंगे थीका. एक पेयर जो माइक्रोस्पोरेंजिया का है वो एक थीका और ये वाला सेकेंड थीका. तो टू थीका प्रेजेंट है एक एंथर में. एंथर होते हैं डाइथीकस. तो थीका इज अ सेट ऑफ टू माइक्रोस्पोरेंजियम. टू माइक्रोस्पोरेंजियम का एक थीका, टू माइक्रोस्पोरेंजियम का एक थीका. एंथर्स हैं बाइलोब, टू लोब्स प्रेजेंट है इसके अंदर. माइक्रोस्पोरेंजिया फोर है इसमें और थीका टू है, डाइथीकस. अब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है ये सराउंडेड होते हैं एक लेयर से. एक लेयर माइक्रोस्पोरेंजिया को सराउंड करके रखती है सेल्स की. ये जो सेल लेयर है इसको कहते हैं टैप. ये सेल लेयर, इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ये लेयर उनको नरिश करने का काम करती है. तो उसका फंक्शन होता है नरिश करने का स्पोर्स को. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है डेंस होता है, उसमें न्यूक्लियस भी नंबर में ज़्यादा होते हैं. टू थ्री और फोर न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं. तो टैप्टम मल्टी न्यूक्लियेटेड होते हैं. कि जो टैप्टम की जो सेल्स हैं वो मल्टी न्यूक्लियेटेड होती हैं और नरिश करने का काम करती हैं स्पोर्स. आप टोटल बात करें अपन पूरे एंथर पे कितनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो पूरे एंथर पे फोर लेयर्स प्रेजेंट होती हैं.
फोर लेयर्स प्रेजेंट होंगी, जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। सिंगल सेल की लेयर होती है, एक लेयर होती है सर एपिडर्मिस, इसके नीचे जो सेल की लेयर होती है वो एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के नीचे, एंडोथीसियम की सिंगल लेयर ही होती है, सिंगल सेल लेयर होती है, एक ही लेयर होती है, इसके नीचे 2, 3, 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, उन सब लेयरों को कंबाइन कहते हैं मिडिल लेयर्स। तो उसके नीचे की जो 2, 3, 4 लेयर्स हैं सेल लेयर्स, ये सारी होंगी मिडिल लेयर्स। और फिर जो अपने माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करके रखती हैं सेल लेयर और कैपिटम, टोटल 4 लेयर्स होंगी। अब इसमें से कैपिटम का तो फंक्शन है नरिशमेंट का, और अदर जो 3 लेयर्स होती हैं वो डेहिसेंस के टाइम पे वर्क करती हैं, जब एंथ्रस मैच्योर हो जाते हैं और उनमें पॉलन्स डेवलप हो जाते हैं, तो पॉलन्स को बाहर छोड़ने के लिए एंथ्रस स्प्लिट हो जाते हैं, डेहिसेंस हो जाता है, वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं और पॉलन्स बाहर निकल जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन 3 लेयर्स का होगा, इन तीन लेयर्स का डिहाइड्रेशन होता है, ये ड्राई हो जाती हैं, वाटर चला जाता है इनमें से और फट जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं, और इसके अंदर के जो पॉलन्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। ये 3 लेयर्स तो डाइजेशन में हेल्प करेंगी, और 4th जो कैपिटम है ये नरिश करेगी डेवलपिंग स्पोर्स। अब स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा कहाँ? ये जो माइक्रोस्पोरेंशियम है इसके अंदर टिश्यू फिल्ड होता है, उस टिश्यू को कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू सेल्स ही आगे जाकर स्पोर्स फॉर्म करती हैं। अब इसकी कोई भी सेल आगे जाके स्पोर का फॉर्मेशन कर सकती है, और ये वाली सेल आगे जाके मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी और फोर स्पोर्स का प्रोडक्शन करेगी, 4 माइक्रो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी, मियोसिस की बात कर रहे हैं। एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोर्स के फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का प्रोसेस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू प्रेजेंट है, उसकी कोई भी सेल आगे जाकर मियोसिस के थ्रू डिवाइड हो सकती है और स्पोर्स को प्रोड्यूस कर सकती है। तो जो सेल आगे जाकर स्पोर्स को प्रोड्यूस करेगी उसको कहेंगे पोलन मदर सेल। एक सेल है स्पोरोजेनस टिश्यू की, कोई भी हो सकती है, इसको कहेंगे पॉलन मदर सेल। आगे जाकर ये मियोसिस के थ्रू डिवाइड होगी और 4 सेल्स प्रोड्यूस करेगी। ये 4 सेल्स हैप्लोइड होंगी और ये होंगे स्पोर्स। तो एक पॉलन मदर सेल 4 स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, 4 हैप्लोइड स्पोर्स को प्रोड्यूस करती है। अब ये जो 4 स्पोर्स हैं ये सेपरेट नहीं रहते, ये सारे स्पोर्स एक साथ ही रहते हैं। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड वाली स्टेज होती है, उसमें इसी फॉर्म में रहते हैं सारे स्पोर्स टेट्राड की फॉर्म में। बाद में जाकर ये जब डिहाइड्रेशन होता है वाटर उससे चला जाता है तो ये सारे सेपरेट हो जाते हैं और सारे स्पोर्स अलग अलग हो जाते हैं। अब ये जो हैप्लोइड स्पोर्स है आगे जाकर गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे, मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस करेंगे। आपको वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। आपको ऐसा भी जो स्पोर है टेट्राड का वो आगे जाके मेल गैमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो लेने एक ये स्पोर है हैप्लोइड स्पोर है, ये आगे जाके बना रहा है मेल गैमेटोफाइट। अब मेल गैमेटोफाइट कह रहे हैं अपन यहाँ पर, तो पोलर ग्रेन्स की बात हो रही है, पोलर ग्रेन्स ही होते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब ये जो स्पोर है आगे जाके माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा और 2 सेल्स प्रोड्यूस करेगा। अब इन 2 सेल्स में से एक लार्जर होगी एक स्मॉल होगी, क्योंकि इसका जो डिवीजन होता है, जो माइटोसिस होता है वो इक्वल नहीं होता, अनइक्वल होता है, इसलिए एक सेल की होती है लार्ज और दूसरी होती है स्मॉल। इसमें से जो लार्जर सेल है उसको कहेंगे वेजिटेटिव सेल और जो स्मॉलर सेल है वो होगी जर्मिनेटिव सेल।
अब हैप्लोइड स्पोर में माइटोसिस हो रहा है, तो ये जो दोनों सेल्स प्रोड्यूस होंगी ये भी हैप्लोइड ही होंगी। वेजिटेटिव सेल एंड जर्मिनेटिव सेल दोनों हैप्लोइड होती हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर के दोनों सेल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, दो लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। उनमें से जो अंदर की लेयर होती है इंटाइन और बाहर की लेयर होती है एग सेल, और दोनों सेल्स सराउंडेड होती हैं टू लेयर्स से, इंटाइन एंड एग सेल। इनमें से जो एग्जाइन वाली लेयर होती है ये स्पोरोपोलिनियन सब्सटेंस की बनी होती है। सेल होगी और टू मेल गैमेट्स होगा, मेल गैमेट्स कौन बनाएगी, जर्मिनेटिव सेल होता है।